कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, तुम में बहुत बहुत परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता है, तुम पीते हो परंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े तो पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। प्रभु कह रहा है कई वर्ष हो गए मुझे इंतजार में, मुझे प्रतीक्षा में, तुम लोगों ने अपने अपने घरों को जचा लिया, संवार लिया, ठीक कर लिया, पर मेरे घर की सूदी तुम लोगों ने नहीं ली अभी तक। तो जो पौलुस का जो विचार है ना, वो मेरा विचार है कई सालों से। मैं चाहता हूं कि मैं अपना बोझ तनिक भर भी कलीसिया के खर्चे पे ना डालूं, जबकि परमेश्वर की ओर से मुझे अभिषेक और अधिकार है कि मैं डाल सकता हूं, परंतु तो भी दशमांश और भेंट का एक एक पैसा है ना, मैं चाहता हूं जो परमेश्वर की ओर से जो हिस्से का जो मेरा पैसा आया है मैं उसे लू, प्रार्थना करूं, आशीषित करूं, प्रभु जी तेरी सेवा के लिए तेरे बेटे ने भेंट और दशमांश दिया है, अब मैं इसको वापस दे रहा हूं, वापस देकर अब ये दोबारा से पूरी रीति से आपकी सेवा में एक एक पाई लगेगा। अगर सोचो वो सारा पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रभु की सेवा में लग जाए तो परमेश्वर की सेवा कहां से कहां निकल जाए। हालेलुया, सब लोग प्रभु के लिए तालियां बजाएं। प्रभु कहता है मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। मेरा भवन क्या पड़ा है? उजाड़ पड़ा है। हम लोग अपने घर की सामानें लेकर आते हैं परंतु जो चर्च के जो सामान है उन पर हमारा ध्यान नहीं होता, चर्च की चीजों पर, साउंड पर, म्यूजिक चीजों पर, दरियों पर, किसी भी चीज पर हमारा ध्यान नहीं होता। हमारा ध्यान होता है हमारे अपने घर की चीजों पर। हमारे घर के नए पर्दे लाने हैं, दीवारों का जो पेंट है वो बदलना है, बर्तन खराब हो गया है, बर्तन टूट गया है, नया बर्तन लाना है, कपड़े गल रहे हैं, पुराने हो रहे हैं, नए डिजाइन के कपड़े आ रहे हैं, हर महीने हम जाते हैं अपने लिए एक नया कपड़ा ले आते हैं, परंतु प्रभु के भवन के लिए ऐसी कोई भी सोच नहीं होती। परमेश्वर ने जब राजा दाऊद को राजा बनाया तो बाहर तंबू में परमेश्वर का भवन लगा करता था, ध्यान से सुनना, उस भवन में लोग आकर परमेश्वर की आराधना किया करते थे। राजा दाऊद ने बहुत सुंदर तंबू बना रखा था, चारों तरफ बेड़ा लगा रखा था, बहुत सुंदर तरीके से एक राजा ने तंबू बना रखा था, वो चर्च था, एक तंबू का टेंट था और उस टेंट में आकर लोग आराधना करते थे, और उस टेंट के अंदर उस तंबू में वाचा का संदूक रखा हुआ था, याजक के लिए वेदी रखी हुई थी, लोग आकर उसमें भेंट दिया करते थे। परंतु राजा दाऊद अपने महल में है और अचानक खिड़की पे आता है और खिड़की से अचानक बाहर तंबू पे नजर जाती है और वो विचार करने लगता है और रोने लगता है, ओ प्रभु मैं तो चरवाहा था, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया, मुझे चुना, और फिर परमेश्वर ने मुझे उस अभिषेक के द्वारा मुझे इसराइल देश का राजा बना दिया। आज तो मैं एक सुंदर भवन में हूं परंतु मेरे परमेश्वर का जो घर है वो एक तंबू है। वो कहता है, कहता है प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है, मुझे राजा बनाया है और मैं तो एक बड़े और सुंदर भवन में रहता हूं परंतु मेरे परमेश्वर का जो घर है ना वह कपड़े का तंबू है। मैं अब अपने परमेश्वर का भवन अपने भवन से भी अच्छा बनाऊंगा, विचार करता है। तब परमेश्वर कहता है मैं तेरे इस विचार से बहुत प्रसन्न हूं, तूने ऐसा विचार करके भला किया है। हालेलुया, प्रभु कहता है तूने ऐसा विचार करके क्या किया है, भला किया। सोचो राजा दाऊद ने परमेश्वर के भवन के लिए केवल विचार किया, प्रभु से आशीष दे देते हैं, तूने भला सोचा है, तूने अच्छा सोचा है, मेरे भवन की सुधि ली है। सो मेरे भाई और बहनों, जो भी आज प्रभु के लिए विचार करता है, सोचता है मुझे परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए मुझे सुधि लेनी है, तो परमेश्वर उसे आशीषित करता है। हम पद 9 और 10 पे मनन करेंगे और 11 पे, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, तुमने बहुत कमाने की आशा तो रखी, परंतु देखो थोड़ी ही थी, वो थोड़ी ही है, जब तुम उसे घर में लाते हो तो मैं उसको उड़ा देता हूं। मैंने उसको उड़ा दिया, मैंने उसको उड़ा दिया।
प्रभु कहता है तुम कमा के बहुत सारा ला रहे हो, आशा कर रहे हो ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। प्रभु कहता है मैंने उसे उड़ा दिया। सेनाओं का यहोवा की ये वाणी है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने ही घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से उपजाना दोनों बंद हो गया है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैंने इसलिए तुम्हारी कमाई को अब इसलिए रोक दिया ताकि तुम रुको और विचार करो ऐसा क्यों हो रहा है। वो एक बाप है, वो हमें दंड नहीं दे रहा, सिखाना मांग रहा है। कई बार हम अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए उसे जोर देते हैं, बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तू पढ़ाई नहीं करता, तो हम उसे डांटते हैं और वो डांट को भी नहीं समझता, तो हम थोड़ी उसे चंडी लगाते हैं, थोड़ी ताड़ना देते हैं। वो ताड़ना हम ऐसी नहीं देते कि हम उसका गला दबा के उसे मार दें, परंतु ताड़ना देते हैं, हल्की सी थपकी देते हैं, मारते हैं, उसे एक सजा के तौर पे लगे, ओ मैंने गलती करी है, मुझे ताड़ना मिली है, अब मुझे ध्यान रखना होगा, मुझे ये गलती नहीं करनी। ऐसे ही करते हैं ना। और जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं डांटते या ताड़ना नहीं देते, वो क्या करते हैं फिर अपने बच्चों के संग? प्रेम नहीं बल्कि उन्हें बिगाड़ देते हैं, बल्कि क्या करते हैं? बिगाड़ देते हैं। और जो परमेश्वर का वचन है ना, प्रभु अपने वचन में इस प्रकार से कहता है कि तुम सब लोग अपने अपने घर को दौड़े चले जाते हो, तुम बहुत आशा रखते हो, परंतु मैं उसे उड़ा देता हूं। मैंने आकाश से ओस गिराना और पृथ्वी से तुम्हारे लिए उपजाना बंद कर दिया है, रोक दिया है। ताड़ना दे रहा है, रोक रहा है, इधर ध्यान दो सब लोग, वो रोक रहा है ऐसा करके, जरा रुको तो सही, तुम्हारे अब कमाई पर आशीष क्यों नहीं आ रही, विचार करो जरा, सोचो तो सही। वो कहता है तुम पैसा कमा रहे हो, तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, क्या कारण है ऐसा नहीं हो रहा? जबकि मैं तो आशीष देने वाला प्रभु हूं, अगर तुम्हारे धन पर आशीष नहीं आ रही, तुम्हारे धन पर कंगालपन आ रहा है, तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो इसका मतलब कुछ तो बात है, विचार करो ऐसा क्यों हो रहा है। वैसा करके हमें चेतावनी दे रहा है धन को रोक कर। अगर वो धन हम पर लगातार देता रहेगा, आशीष देता रहेगा, हम चाहे कितने ही सही हो या कितने ही गलत हो, हम हमेशा ही इस ख्याल में जीते रहेंगे हम तो भले हैं, तभी तो प्रभु का आशीष हमारे जीवन पर है। इसलिए प्रभु हमेशा, उसका स्वभाव है, हम जब भी गलत होते हैं वो अपनी आशीषों को रोक लेते हैं ताड़ना के रूप में, सिखाने के रूप में, ताकि हम प्रभु के वचन में खोजें इस बात को, हम आत्मा की गहराई में जाएं, मंथन करें, खोजें, प्रभु के दास दासियों के पास जाएं, प्रभु के अगुवे के पास जाएं और समझें, सीखें क्या कारण है हमारे जीवन पर धन का आशीष नहीं है। हालेलुया। सो इसलिए आप अपनी आत्मा में मंथन करें, प्रार्थना करें। यदि कोई भी व्यक्ति आज इस संदेश के माध्यम से प्रभु की आत्मा उसे झंझोड़ रही है, बातचीत कर रही है, किसी को लग रहा है मेरे कारण से प्रभु के भवन में रुकावट आ गई है, प्रभु की सेवा में रुकावट आ गई है, वास्तव में मैं एक इसराइली लोगों की तरह जिया, मैंने प्रभु के भवन की ओर ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने घर को सजाया सवारा और बढ़ाया, परंतु मैंने कभी भी परमेश्वर के भवन की तरफ ध्यान नहीं दिया, सो मुझे आज अपनी गलती प्रभु के सामने स्वीकार कर लेनी है। यदि कोई अपनी जगह पर खड़े होकर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, हो प्रभु जी आज मुझे अपनी गलती स्मरण आई है, आज तूने अपने वचन के माध्यम से मुझसे बातचीत करी है और यह कहा है कि मैं अपनी इस गलती को सुधार लूं, सो प्रभु मैं अपनी गलती को सुधारता हूं। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है और मन फिराता है और परमेश्वर के भवन की सुधी लेने का विचार ही करता है, अभी वो कुछ देता नहीं प्रभु की सेवा के लिए, केवल विचार ही करता है ना, राजा दाऊद की तरह, तो अच्छे आलीशान भवन में रहता हूं, परंतु मेरे प्रभु का जो भवन है ना, वो एक टेंट है, एक तंबू है, उसने विचार किया और प्रभु ने उस विचार को ही आशीषित कर दिया। यदि सच्चे हृदय से ये विचार करोगे ना, ओ प्रभु अब आने वाले दिन में जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा ना अपनी कमाई का, मैं उसमें से कुछ हिस्सा आपके भवन के लिए मैं दूंगा,
ज्यों ही आप अभी विचार करोगे ना, विचार मात्र से ही प्रभु आपको आशीषित करना आरंभ कर देगा। हालेलुया। केवल विचार से ही। प्रिय दर्शकों, यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाने हेतु अपनी भेंट राशि भेजना चाहते हैं, तो हमारा पता है वर्ल्ड इन एक्शन, कैनरा बैंक। हमारा अकाउंट नंबर है 2416101020125। हमारा IFSC कोड है CNRB00024 16। हमारी ब्रांच है दिल्ली किंग्सवे कैंप, दिल्ली 110009। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। सच में हर समय जो परमेश्वर देता है वह बहुत ही सुंदर होता है। जब आप प्रभु के अनुग्रह में जीते हैं तो हर पल बहुत अच्छा होता है। और आज एक गवाही परमेश्वर के नाम के लिए कि परमेश्वर की महिमा हो उसकी गवाही से। हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि बहन के जीवन में आपने बहुत अद्भुत रीति से कार्य किया। कि बहन के जीवन में जब ये अपने जीवन से, अपनी देह से बहुत परेशान थी और परेशानी के चलते जब उन्होंने प्रार्थना करी तो बहन के जीवन में अद्भुत कार्य हुआ। आइए बहन के जीवन की ये गवाही बहन के मुंह से ही सुनते हैं। जी बहन को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जब जिस टाइम पे लड़की को पीरियड्स होते हैं उस दौरान मेरे को काफी ब्लीडिंग जाने की दिक्कत थी, जो कम से कम 10-10 दिन 12-12 दिन रहती थी। मैंने मम्मी से अपनी से बात की मायके में, तो उन्होंने बोला बेटा कोई नहीं, शादी होने के बाद में ये सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। शादी होने के बाद में भी मेरे को ये दिक्कतें सारी चलती रही, पर मैंने दवाइयाँ भी कराई इस चीज़ की, पर मेरी नहीं हुई ठीक। जब मैंने अपने वर्ड इन एक्शन चर्च में मैं आई और नेल्स भैया ने प्रचार किया कि यीशु मसीह के सिर्फ मात्र वस्त्र छूने से ही 12 महीने से जिस लेडीज को ब्लीडिंग जाने की दिक्कत थी वो चंगी हुई, उसी दौरान जब स्तुति और आराधना हो रही थी, मैं अपने चर्च के बाहर वाली बिल्डिंग में यहाँ बाहर बैठी हुई थी, तब मैंने भैया पास से निकले तो मैंने भैया के सिर्फ मात्र वस्त्र छुए और ये विश्वास किया कि ये बीमारी जो मेरे को है, जो ब्लीडिंग मेरे को ज़्यादा जाती है, वो मेरी ठीक हो सकती है। सिर्फ मैं, हमारे चर्च के जो भैया हैं पास्टर नेल्स, उन्होंने मैं प्रार्थना भी की थी और वचन भी दिया था कि जो भी इस दिक्कत से है वो चंगा हो रहा है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज सिर्फ मेरी उनके छूने से ही, वस्त्र छूने से ही, अभिषेक से ही इतना अनुग्रह हुआ कि मेरी जो ब्लीडिंग जाने की बीमारी थी वो मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मात्र सिर्फ कम ही दिनों में मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं खुश भी हूँ कि जो बीमारी डॉक्टरों के दवाई वगैरह खाने से, देसी दवाई या वैसी दवाइयाँ खाने से नहीं ठीक हुई, वरन सिर्फ एक छूने के द्वारा मेरे को चंगाई दी, उस परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बहन के जीवन में, जैसे कि आपने सुना अभी अभी कि बहन को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ करती थी, एक नॉर्मल जैसे होना चाहिए, एक दैहिक जो डिमांड है, एक दैहिक जो बात है, जो परमेश्वर के अनुग्रह में के चलते बहन के जीवन में, इनके जीवन में आशीषित हुए, वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि दवाइयां खाने से भी वो बात उनके जीवन में नहीं सुधर रही थी, वरन परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने इनको छूकर चंगा किया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बहन के जीवन की एक और गवाही है, जो बहन बताती हैं कि इनका बच्चा बोल नहीं पाता था, वरन उसके लिए भी इन्होंने प्रार्थना करी और प्रार्थना के चलते इनके जीवन में कार्य हुआ और आज वो बच्चा बोलता है। बहन ऐसा ही है? यस जी। सबको जय मसीह की। मेरा बेटा करीब 6 साल का हो चुका है। जैसे कि नॉर्मल बच्चा साल भर के बाद में बोलने लग जाता है, मेरा बेटा नहीं बोलता था। मैंने हिंदुरा हॉस्पिटल में उसे दिखाया, डॉक्टरों ने बोला कि ऐसा है, आपका बेटा कभी भी नहीं बोल सकता, बोलेगा तो वो तुम्हारी किस्मत, नहीं तो नहीं बोलेगा आपका बेटा। मैंने प्रार्थना की और प्लस मैं चर्च में अपनी बेटी को लेके आई, अपने वर्ड इन एक्शन चर्च में जो हमारे पास्टर नेल्स हैं उन्होंने प्रार्थना वगैरह भी की कि जिस जिस इंसान को या जिस जिस जगह पे कोई भी दिक्कत है या जो भी परेशानी है उस जगह पे वो हाथ रखे और ताकि बोले, उन्होंने बुलवाया मैं कि वो बोलने की कोशिश करे, और मैंने अपने बेटे के मुंह पे हाथ रखा, गले पे हाथ रखा और दुआ करवा की, और हमारे चर्च में सभी लोगों ने प्रार्थना की और हमारे जो अगवे सोनिया हैं और उन्होंने भी प्रार्थना की, और प्रार्थना के जरिए, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के ही जरिए मेरा बेटा आज फर्स्ट क्लास बोलता है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं। आज मन करता है कि जहाँ साइंस फेल हो सकता है वहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरा परमेश्वर है जो जीवित है
और वो जो अद्भुत चमत्कार करता है उस परमेश्वर का मैं लाखों करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि वो गूंगों के मुंह में भी जो बांध देता है और अंधो जो देख नहीं पाते उन्हें भी चंगा करता है। मेरे जीवन में इतने चमत्कार हुए, मैं बयान करूं तो शायद ही काफी समय हो जाएगा। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच में जैसे कि आपने जाना इनकी मुंह जुबानी कि परमेश्वर सच में जीवित खुदा है, उसके जैसा कोई भी नहीं। जब आप उससे प्रार्थना करते हैं तो वह आपको छूता है, आपको बताता है कि मैं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। यदि तुम मुझ पर विश्वास करे तो तुम मेरी महिमा को देखेगा और मुझ पर विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होते। पास्टर नेल्स के द्वारा जो हर सप्ताह यहाँ हर संडे को यहाँ पर चंगाई सभा होती है, उस चंगाई सभा में ही बहन ने भी प्रार्थना करी थी जब पर पास्टर नेल्स को अगुवाई हुई थी उसके विषय में कि सभी लोग जिन जिन लोगों को जहां जहां दर्द है, समस्याएं हैं, वे वहां हाथ रखें, अपने दाहिने हाथ को रखें, परमेश्वर तुम्हें छूने पर है। बहन ने बिल्कुल वैसा ही किया। विश्वास के चलते बहन के जीवन में वह कार्य हुआ कि आज उनका बच्चा बिल्कुल बोल पा रहा है और बहुत भला चंगा है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो और किसी की नहीं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तेरे बेटे और तेरी बेटियों के लिए। इसी समय प्रभु आपकी चंगा करने वाली सामर्थ तेरे बेटे और तेरी बेटियों पर उतर आए। प्रभु इन तमाम बेटे और इन बेटियों को छू लो परमेश्वर, और अपनी अद्भुत चंगा करने वाली सामर्थ इनके शरीर पर बहाओ। जितने भी लोग इस समय बीमार हैं वे अपनी जगहों पर हाथ रख ले, जहां बीड़ा है, जहां दर्द, जहां बीमारी है, प्रभु का हाथ आपको चंगा करने जा रहा है। प्रभु इसी समय तमाम दर्द, तमाम बीमारी, तमाम पीड़ा प्रभु यीशु के नाम से चली जाए, और ये लोग तेरे नाम में इसी घड़ी स्वस्थ हो रहे हैं। प्रभु आप इसी समय अपने बेटा और अपनी बेटियों को आप चंगाई दे रहे हो, चंगाई दे रहे हो। गुर्दों की समस्या जा रही है, लीवर का प्रॉब्लम जा रहा है प्रभु, हार्ट प्रॉब्लम जा रहा है, तमाम शरीर के ऑर्गन को प्रभु आप चंगाई दे रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं। सर से लेके तलवे तक तमाम लोग प्रभु चंगे किए जा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु की सामर्थ इस समय आपके शरीर में बह रही है और प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, चंगाई दे रहा है। धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम में, आमेन। प्यारे दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर के दास पास्टर नेल्स बेंजामिन के द्वारा नागपुर में प्रार्थना शिविर लिया जा रहा है, जिसमें परमेश्वर अपने लोगों पर अपनी बुलाहट और अपने अभिषेक को उंडेलता है। आप भी इस प्रार्थना शिविर में शामिल हो सकते हैं और परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में जान सकते हैं। इस सेमिनार की तारीख है 13, 14, 15 नवंबर 2015। पता है प्रगति ट्रेनिंग सेंटर, लोनारा विलेज, कोराडी नाका, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9372398806, नाम है डॉक्टर धाड़े। और दूसरे नंबर पर है भाई उज्जवल, जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं, जिनका नंबर है 9158130022। प्यारे दर्शकों, आप इस सेमिनार में अवश्य शामिल होकर परमेश्वर की योजनाओं को आने वाले दिनों में अपने जीवन में जान सकते हैं। इसलिए आप अवश्य इस सेमिनार में शामिल हो ताकि परमेश्वर की आशीषों को आप बहुतायत से अपने जीवन में जान सकें। जय मसीह की। यदि आप किसी प्रकार की समस्याओं में हैं, तो आप हमारे प्रार्थना भवन में संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7042855656। हमारी फोन लाइन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आपके लिए खुली रहेंगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है wordinaction.org।